तेरा प्रेजेंटेशन हो गया? हाँ यार, रात के 2 बज गए। ओ, इतना रिसर्च? प्रेजेंटेशन तो रेडी है, लेकिन सबके सामने देने को पड़ती है। अबे कुछ नहीं रे, पहले 2 मिनट लगता है बस। What the fuck? Oh shit! लगता है किसी ने ऊपर से धकेल दिया है। गलती हो गई, उसे माफ कर दो ना। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? क्या मैडम, आपके हाथ में सब छोड़ दो ना मैडम। मैडम, एक सुसाइड हो गया है। जाओ जाके देख के आओ। आप नहीं आओगी? अरे रोज का नाटक है इनका, सुसाइड ये लोग करते हैं, बस्ती हमारी है। जाओ। जी मैडम। रद्दी की दुकान में 30 रखना। 30? तो क्या 15 दिन बाद वापस आओगे? नहीं नहीं, रखता हूँ। तुम्हारी बीवी को बोलो तुम्हारे लाडले का खाना बनाने। ठीक है मैडम। चल मोरे, चाबाज। अरे नहीं, एक स्कूल की लड़की ने आत्महत्या की है। क्या क्या बोला मोरे? स्कूल की बच्ची? जी मैडम। तो पहले क्यों नहीं बोला? आपने बोलने कहा दिया। क्यों, मैंने तुम्हारे मुंह पे पट्टी बांध रखी थी। मैडम वो अब बिजी थी। थांबा, मी येते। पडवण। जी मैडम। वो हीरो जिसका बाप आया था, उसे थोड़ी देर के बाद छोड़ दो। ठीक है। गाड़ी पे गिरना था उसको, अब गाड़ी ठीक होने तक धंधा भी नहीं हो पाएगा मेरा। आप मेरी बेटी थी। I'm sorry। उसे कोई प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम होगा भी तो अपनी जान कौन लेता है? कैसा प्रॉब्लम? सब कुछ नॉर्मल था। उसके बिहेवियर में कुछ अलग? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन खराब होने के बाद वो बहुत अपसेट थी। कौन से स्कूल में थी? डीजे विद्यालय। क्लास 10th। फिलहाल उसकी किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। मैडम, बिल्डिंग के ऊपर लड़की का ट्रैक सूट और एक बैग मिली है। वहाँ पे ट्रैक सूट उतार के वो नीचे कूदी। कॉस्ट्यूम और मेडल्स में क्यों कूदी? बड़ा अजीब है मैडम। फॉरेंसिक्स रिपोर्ट कब तक आएगा? ये लोग का कुछ भरोसा नहीं है मैडम। जरा पीछे पढ़ना इनके, और हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी। मैडम आप ही हैंडल करोगी ये केस? बच्चों की जान बहुत कीमती होती है। वैसे 5 अपनी माँ के इलाज के लिए रखना और 2 तुक्या की बेटी की फीस के लिए, बाकी पप्पू के हाथ भिजवा देना। मैम थैंक यू। रुक रुक रुक, मार चोट चला भाग रहा है कैसे चले भाई, कटा मार इसको, पकड़ आई खाला ना मार रुक रहा है मैं आई बड़ा धर 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 भाग भाग। हां पड़ला आई सवाड़ा।
मेरे पैसे नहीं है ऑफिस के, मेरी नौकरी चली जाएगी। हमेशा पहले पैर पे अटैक करने का, उछलना बंद होता है। अरे ये तो निकालो। वो तू रख ले। ए मामू चाय बोलना। क्या रे आरेज, ये गोबर माफिक थोपड़ा कायकू बनाया है। हुआ क्या छोटे? दिव्या ने सुसाइड कर लिया। ऑफ हो गई क्या रंडी? साले हरामी। ए ए बुल्ले, फिरोज चाचा की इज्जत करता अपन, नहीं तो यही स्क्रू ड्राइवर ना अभी तेरे अंदर डांडिया खेल रहा होता। चल खिसक। चल रे। और थोबड़ा ठीक करिए अपना। क्या हुआ सलमान भाई, तेरे को क्या है रेगर दुल्ले? नहीं, मेरे को लगा कुछ पंगा हुआ है। तो तू मांडोली करेगा लुल्ले? बचपन में तू भूखा रहता था ना, तब अपने पास आता था। तो अभी टाइम पलटी हो गया है क्या? चल खिसक। अरे खिसक ना येड़े। चल Divya was a very bright student, academics or sports maybe. It's a huge loss for our school. Inter-school competitions mein swimming medals ke liye we were banking on her. Kuch suspicious laga tha aapko uske behavior mein? Uska focus thoda kam ho gaya tha. Kab se? Since the inter-school competitions. मैंने पूछा था उससे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कहकर उसने बात टाल दी। आजकल के बच्चे कहाँ कुछ शेयर करते हैं। दिव्या के कोई क्लोज फ्रेंड्स? फैजा, वो दोनों फर्स्ट स्टैंडर्ड से काफी क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स, व्हाटएवर वे वी कैन हेल्प यू। मैं उससे अकेले में मिलना चाहती हूँ। ओके। क्या हुआ मेरी बेटी को? जरूर किसी की नजर लगी होगी। बस करो मिनल। हाँ बस, सबको चुप कराओ। बेटी का अंत संस्कार भी नहीं किया है। अरे पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लेके गई है। वो कौन होते हैं ले जाने वाले? इन्वेस्टिगेशन के लिए ये करना पड़ता है। उन्हीं की तरफदारी करो। मैं कमन मैम। कमिंग। सिट। कैसी हो फैजा? देखो मुझे तुमसे कुछ पूछना है, अगर तुम कभी भी अनकंफर्टेबल हो तो मुझे बता देना। यस मैम। कैसी लड़की थी दिव्या, उसके बारे में कुछ बता सकती हो? शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ बबली गर्ल। लेट्स गो। 1 2 3 गो। कम ऑन राज। कम ऑन दिव्या। कम ऑन राज। कम ऑन दिव्या। That's come on, come on, come on. That's yes, come on. Yes, 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 come on, come on, come on. Yes.
किसके टंग में स्ट्रेंथ है मिस्टर राज? असली स्ट्रेंथ है ना यहाँ होती है। उससे लास्ट तुम्हारी कब बात हुई थी? परसों स्कूल में। कुछ परेशान लग रही थी? नहीं। कुछ हुआ था उसके साथ स्कूल में या घर में? ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि उसने सुसाइड? प्लीज तुम रो मत। I'm really sorry। मैं तुम्हें अपना नंबर देती हूँ, तुम्हें अगर कुछ भी याद आए तो मुझे कॉल करो। फैजा, हमें दिव्या को इंसाफ देना है। और मैडम वो खोपड़े का क्या करना है? हैदराबाद कस्टडी, आज रात को उसकी हड्डी तोड़ती हूँ। गर्मी बहुत है उसमें, आज रात के बाद नरम पड़ जाएगा। अच्छा सुनो, दिव्या के घर के पास में जरा इंक्वायरी करना। मैडम आजकल की लड़कियां भी ना, थोड़ा कुछ हुआ नहीं ध्यान दे देती है। ऐसे ही कोई खुदकुशी नहीं करता मर्जे, हमें समझना है कि ऐसी क्या मजबूरी। जी मैडम। साला इधर गुनेगार लोग मरद पुलिस से ज्यादा तुमको डरता है। सर लोगों को बहुत परेशान किया। तो कागज बनाओ ही मत। नहीं बनाया। गाड़ी में डालना और लंबा लेके जाना। खटका? ऐसा उसको लगने दो। समझ गई सर। फिर दोबारा से किसी और कंप्लेंट पे उठाएंगे उसको। साला उसका जिंदगी हराम करेंगे, गुनेगारी छोड़ के पूजा पाठ करने लगेगा। बिल्कुल सर। और वो सुसाइड केस का क्या हुआ? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया नहीं है। बाकी कोई चिट्ठी वगैरह नहीं है ना? नहीं सर, स्विमिंग चैंपियन थी पर लास्ट के कंपटीशन में हारी थी। तो रिपोर्ट आने के बाद मैं केस क्लोज कर देना। बिल्कुल सर। ओके सर। मैडम वो सुसाइड केस का पोस्टमार्टम रिपोर्ट रख दो। सुनो मोरे। जी मैडम। गाड़ी देखो और खोपड़े को उसमें डालो। कोर्ट में? पर एंट्री नहीं बनाई। कोर्ट नहीं, और हाँ ढगे को भी साथ में लेना। जी मैडम। मैडम जी, दिव्या के घर पे कोई नहीं था। दिव्या प्रेग्नेंट थी और शायद इसीलिए उसने। चलो जाते। चलिए मैडम, खोपड़े को गाड़ी में डाला है। एक काम करो, साहब को बोलना। क्या? अरे उन्होंने ही बोला ना गाड़ी में डालने। पर मैं आपसे कुछ बात करनी है। अभी? बहुत जरूरी है।
मेरा नाम एपीआई गौरी जोशी है और ये पीएसआई अजय काटे। दिव्या के बारे में पूछताछ करनी थी हमें आपसे। अब पूछताछ करके क्या करोगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। ओके। क्या आपको पता था कि दिव्या प्रेग्नेंट थी? What? और मुझे लगता है शायद इसीलिए उसने। अच्छा हुआ आपकी बेटी थी वो। तो फिर ऐसी हरकत नहीं करती। उसे समझने की कोशिश करते तो आज ये नौबत नहीं आती। क्या आपको पता है किस लड़के के साथ उसका अफेयर था? उसके कोई क्लोज फ्रेंड्स? बेचारी हमेशा स्कूल और स्विमिंग छोड़ के और कहीं जाती भी नहीं थी। मैं उसका बेडरूम देखना चाहती हूँ। जी उसे एक्टिंग का बहुत शौक था पर उसके पापा को पसंद नहीं था। और उसका मोबाइल फोन? फोन नहीं मिला। मतलब? दिव्या हमेशा की तरह फोन साथ लेके गई थी। अच्छा। वो जॉगिंग करते समय गाने सुनती थी। मुझे उसका मोबाइल नंबर लिख देंगे आप प्लीज? हाँ। थैंक यू। दिव्या का फोन मिसिंग है, उसे ढूंढना पड़ेगा। जी मैडम। साले सब एक जैसे। हाथ आगे करो। प्लीज बाबा फिर से नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना हाथ आगे करो वरना बहुत पड़ेगी। प्लीज हाथ। अब तुम। उसकी कोई गलती नहीं है बाबा, मैं ही उसे ले गई। तो इसके बदले में तुम्हें मारूं? क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं। विजय। हाँ। इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट लोकेशन चाहिए। ठीक है। कितना टाइम लगेगा? 2-3 घंटे दे दो। ठीक है। दिस इज फॉर यू। तुम ठीक हो? यस मैम। गौरी। तुम मुझे गौरी दीदी कह के बुला सकती हो। ओके मैम। फैजा हमें दिव्या को जस्टिस देना है। हमें पता करना है कि वो ऐसा करने पे क्यों मजबूर हुई और जिसने भी उसे मजबूर किया उसे सजा मिलनी चाहिए। बट आई थॉट शी डिड इट हरसेल्फ। यस बट क्यों किया? दिव्या के बॉयफ्रेंड का नाम क्या था? बॉयफ्रेंड? मुझे नहीं पता। फैजा उसका नाम क्या है? आरिस। सेम क्लास में है? नहीं वो स्कूल में नहीं है। तुम? उसके क्लब में था। कौन सा क्लब? SLR क्लब। तुम उसे जानती हो?
एक बार मिली थी बट देन दे ब्रोक अप. कब? 2 months back. 2 months? हाँ. क्या हुआ था? वो बताया नहीं. ब्रेकअप के बाद उसका मूड कैसा था? थोड़ा आलूफ रहने लगी थी, टेंशन में लगती थी. किस बात का टेंशन? वो बताया नहीं. आई विश मैंने जानने की कोशिश की होती. ओके फैजा, थैंक्स फॉर योर हेल्प. यू आर वेलकम दीदी. टेक केयर. कहाँ हो? कहाँ घूमते रहते हो? जल्दी आओ, लेट हो रहा है. मैं छोड़ दूँ क्या? जाने मन. क्यों? तू रिक्शा चलाता है? रिक्शा क्यों, गोदी में बिठा के लेके जाता हूँ ना. राइड में बेबी. भोसड़ी के शक्ल देख अपनी. शक्ल? उसमें क्या है? बाकी सब भी तो देख लो. अच्छा. तेरी मौकी. तेरी तो हीरो बनता है. बोला भोसड़ी के पास मोटर चोर. बोला भोसड़ी के पास इसके बाद. बोला मोरे दोनों को गाड़ी में ले लो. दीदी जाने दो. दीदी दीदी चलो तुमसे राखी बनवाती हूँ. चल तेरी माँ. उठ दीदी जाने दो. उठ. गुड मॉर्निंग मैडम. एक फोन मिला लोकेशन पे. कैसे? एक भिखारी था, उसी ने उठाया था. गुड जॉब. पर मैडम ये देखिए, पूरा का पूरा टूट गया. साइबर वाला इन्फॉर्मेशन निकाल सकेंगे इससे? देखना पड़ेगा. ओके देखो, कॉल रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट देना मुझे. जी मैडम. मोरे. जी मैडम. एक काम करो, SLR क्लब जाओ और वहां जाके आरिज नाम के लड़के की इन्फॉर्मेशन निकालो. कैसे इन्फॉर्मेशन मैम? कहाँ रहता है, क्या करता है, वही सब. कब जाओ मैडम? कब मतलब अभी जाओ. ओके. मैडम सर ने बुलाया है. कैसा मूड है? ठीक है. मैं कम इन सर. कल तुम्हें क्या बोला था? सर वो सुसाइड केस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा. व्हाट? वो क्लोज करने बोला था ना? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है सर, वो लड़की प्रेग्नेंट थी. तुम्हें क्लोज करने बोला था वो केस? सर केस उतना सिंपल नहीं है. लड़की प्रेग्नेंट थी इसीलिए सुसाइड किया, इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? सर लड़की माइनर थी. देखो तुम अब इस केस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बंद करो. प्लीज सर. नो, इट्स एन ऑर्डर. ठीक है सर, फाइल पे लिख दो आप. क्या? 5 दिन देता हूं, जो भी इन्वेस्टिगेट करना है कर लो, उसके बाद में केस क्लोज्ड. यू आर द बॉस सर. हेलो रूपाली, तुम्हें पता है एक स्कूल की बच्ची ने सुसाइड किया है? स्विमिंग चैंपियन थी. आई थिंक शी डिजर्व्स फ्रंट पेज न्यूज. क्या?
कैसी हो आई? मैं ठीक हूँ बेटा, क्या कर रही हो? बस अभी घर आई। बहुत काम करती हो तुम। खाना खाया? अभी खाऊंगी आई। सेहत पहले बेटा। परसों तुम्हारे बाबा का बर्थडे याद है ना? अच्छा, तुम उन्हें विश कर देना। आई प्लीज। बहुत खुश होंगे वो। जिंदगी बस उन्हें खुश करने की कोशिश में ही बीत गई। गौरी, आई अभी तो मेरे हिसाब से जीने दो। मुझे जो बोलना था मैंने बोला, पर तुम्हें मेरी परवाह कहाँ है? इमोशनल ब्लैकमेल? तुमसे बहस करना मूर्खपण है। लव यू आई। सिगरेट बंद किया ना? गुड नाइट आई। बढ़ती हुई आत्महत्या केसेस में एक और आत्महत्या ने पुणे को चौंका के रख दिया है। पुणे की 15 साल की स्विमिंग चैंपियन दिव्या शर्मा ने एक ऊंची इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसे भी कहा जा रहा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि किसी ने उसे ऊंची बिल्डिंग से धकेल दिया है। और क्या हो सकती है इन छोटे मासूम बच्चों की आत्महत्या करने की वजह? थोड़ी देर में हम पुणे के पालक मंत्री श्री गजानन काले जी से इस विषय पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ हमारे स्पेशल रिपोर्ट। मैडम, साहब ने बुलाया है। मैं कमिन सर। अरे तुम क्या दबंग सिनेमा देख के काम करती हो क्या? दबंग? क्या हुआ सर? क्या हुआ? पूरे इंटरनेट पे छाई हो, बीच सड़क पे मारपीट कर रही हो। अरे सर, वो लड़के मुझे छेड़ रहे थे। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम उन्हें पीट रही हो। सर वीडियो में पहले का कुछ दिखाया ही नहीं है, एक तरफा वीडियो है सर। पुलिस बीच सड़क पे मारपीट करती है इसलिए जनता सेफ महसूस नहीं करती है। सर पुलिस चुप बैठती है इसीलिए जनता सेफ महसूस नहीं करती। अब तुम मुझे सिखाओगी। सर कल को सड़क पे आपकी बीवी को कोई छेड़ेगा तो आप चुपचाप चले जाएंगे? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना तो मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। कर दीजिए सर, लेकिन ऐसे सड़क छाप गुंडों को तो मैं सबक सिखाऊंगी। तो वही सही। डीसीपी साहब का फोन है, बाद में बात कर लो। सवाड़ा, आई बहुत भूख लगी है। आ गई झांसी की रानी, क्या तमाशा किया रास्ते पे? तमाशा? स्वाति मौसी ने तो बोला तूने मारपीट की। तो फिर ये भी बताया होगा कि क्यों मारपीट की। क्या तुम जस्टिफाई कर रही हो? जस्टिफाई क्यों बाबा, दो गुंडे मुझे सड़क पे छेड़ रहे थे और मैंने बस उन्हें सबक सिखाया। देखो, सुशिक्षित घर की लड़की को ये शोभा नहीं देता। तो मैं क्या करती बाबा? एक हफ्ता तुम घर से अब बाहर नहीं निकलोगी। पर मेरी एग्जाम से? यही तुमको सबक सिखाएगा। मेरा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा बाबा। आई डोंट केयर। आई जी, इंस्पेक्टर गौरी जोशी। हाँ बोलिए। अंदर आ सकते हैं? आरएस है? बाहर गया हुआ। पर हुआ क्या? कुछ पूछताछ करनी थी। ऐसी? आप किसी दिव्या को जानते थे? कौन दिव्या? एसएलआर क्लब में स्विमिंग करती थी। उसका आरिस के साथ क्या ताल्लुक था? उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। यही बात आरिस से पूछनी है। उससे क्या पूछना है? देखिए,
दिव्या ने सुसाइड किया है और वो प्रेग्नेंट थी। देखिए मेरा बेटा अपने कॉलेज का टॉपर ही नहीं, एक चैंपियन फुटबॉल प्लेयर भी है, उसके पास गर्लफ्रेंड के लिए कोई टाइम नहीं है। आपकी गलतफहमी हुई है। अब वो तो आरिज ही दूर करेगा। आपको कुछ पूछना है तो वारंट लेके आइए, हम लोगों को परेशान करने में आपको मजा आता है। देखिए भाईजान, आप वारंट लेके आइए पहले, कुछ गुनाह हुआ तो सिर्फ हम लोग ही दिखते आपको। हमें बस पूछताछ करनी है। पहले वारंट लेके आइए, चलिए। और हाँ, इलाके में तब आना जब वारंट हो। देखिए मैडम प्लीज, अभी निकलने में बुलाइए। हरामी साला, कल उठा लेंगे आरिस को। सिर्फ 5 दिन का टाइम दिया है। जेके का माल आ रहा है। क्या कुछ आ रहा है? गॉगल और जूते। चलो फिर उड़ा लेते, क्या बोलता है सल्लू? नहीं रे, कल अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाने का है, ये 200 मेरा। दोपहर में नहीं जा सकता है क्या? अम्मी से बढ़कर कुछ नहीं चूतिए, ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा। अरे तुम लोग जाओ ना बहनचोद। सलमान तेरे बगैर कैसे होएगा यार? हाँ ना। अरे मैं प्लानिंग बोलता ना, कैसे सुमंडी में माल उड़ाने का। सल्लू क्या रे बुल्लू। पुलिस पहुंच गई मेरे घर। क्या माचुदारा? हाँ, और उनको कैसे तो पता चल गया दिव्या और मेरा। अबे कैसे? नहीं पता। दिव्या सपने में आके बोली क्या उनको गांडू? फैजा उसके स्कूल में पढ़ती है, खाली एक बार मिला था उससे। कहाँ रहती है? नहीं पता। कल मैं उसके स्कूल जाता। ए सल्लू, तू कुछ उल्टा सीधा मत करा। सल्लू सीधा कुछ करता है क्या? देख तू कुछ दिन के लिए बिल में छुप जा। बिल के वजह से इस लफड़ा हुआ भाई। चुप ना। अरे चुप भोसड़ी के। यार मैं अब्बू को क्या बोलूंगा? मैं हैंडल करता ना, मैं देखता हूँ। किसने बोला अब्बू को? ये साला सबको लटकाएगा। मैडम साहब ने बुलाया है। आज सुबह सुबह खड़ा हो गया क्या? मैं आई कम इन सर। कम इन। ओ सुसाइड केस के बारे में क्या हुआ? चल रहा है सर, मेरे पास और 3 दिन है ना। देखो इस पे मुझे रेगुलर अपडेट देना। डीसीपी साहब का फोन आया था इस केस के बारे में। यस सर। छोटे बच्चे देश का भविष्य है। और कुछ सर? नहीं, दैट्स ऑल सर। जोशी। हेलो हेलो मैम, मैम इट थ्रेटन मी मैम, आई एम फीलिंग वेरी स्कर्ड। कौन बोल रहा है? मैं फैजा मैम। फैजा, हु थ्रेटन यू? मैम आई एम फीलिंग वेरी स्कर्ड। तुम अभी स्कूल में हो? नहीं, घर पे हूँ। ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने आती हूँ। मैं 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। मुझे ठीक से बताओ हुआ क्या? मैम कल स्कूल खत्म हुआ तब सलमान आया और उसने मुझे कहा कि अगर मैंने दिव्या के बारे में किसी को कुछ बताया तो वो मेरे पे एसिड फेंकेगा। तुमने उसे पहले कभी देखा है? एक दो बार स्कूल के बाहर देखा था। क्या कर रहा था?
पता नहीं, पर उसे देख के दिव्या बहुत नर्वस हुई थी। दिव्या? हाँ। वो सब शीपू? पता नहीं। तो तुम क्यों डर गई? गुंडा लगता है। हमेशा तो इतनी अग्रेसिव रहती हो। Are you hiding something? चले मैंचत चल। क्या हुआ? भाई अपने एरिया में माल बेच रहा था। क्यों बे आरामी? तेरे को पिछली बार बोला था ना? मेरे को मालूम नहीं था भाई। इसको अपने छोकरे ने बोला था भाई। फिर बोलता है इलाका कुत्तों का होता है। मतलब भाई आप तो शेर हो ना, और आप जिस भी इलाके में जाएंगे इलाका आप ही का है भाई। देखा? अबे जुगनू तेरा नाम तो चतुर होना चाहिए था। क्या भाई आप? अच्छा बैठ। हाँ भाई बोल क्या लेगा? चाय कॉफी? ठंडा मिलेगा क्या भाई? जो नहीं चतुर भाई। अरे ठंडा बोल, बहुत होशियार है। अरे भाई तेरे को पता है क्या, होशियार आदमी क्या ये उंगली बड़ा होता है। अच्छा तेरा हाथ देखा? ये देखे ना भाई। रख इधर देख। बोला ना बड़ा समझता है, बहुत घूम पड़ गया ना तेरा। अब एक ही हाथ से खाएगा और धोएगा। हाँ ठंडा पिला उसे। ए टुकड़े निकाल, बाहर कुत्ते होंगे। जाफर। जी भाई। वो गणपत टेलर के बेटे का निकाह है, दावत का खर्चा हम उठाए। ठीक है भाई। अरे क्या मैडम, आपने फोन भी नहीं किया? अरे बहुत गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। वो कब नहीं रहता है? फोन कैसे किया? आज मिलते हैं फिर। एक मिनट। अरे एक मिनट मिलके क्या करेंगे? अरे एक मिनट रुक। गांधीनगर सलमान। ओके ओके। अच्छा रूपाली मुझे कहीं जाना है, उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, यू कम डायरेक्टली। ओके। मैडम आरिस के घर वालों ने मिसिंग केस दर्ज किए। क्या? हाँ कहते हैं कल रात से घर ही नहीं आया। फीटस का डीएनए रिपोर्ट आया? नहीं पर आ जाएगा। बहुत जरूरी है। मैं देखती हूँ ये सलमान कौन है। मैडम मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं तुम उस रिपोर्ट का फॉलोअप करो। लेकिन मैडम आप वहाँ अकेली जाएंगी? बारात लेके जाना है क्या? अच्छा वो नंबर कहाँ से इशू आया पता चला? नहीं पर कल तक पता चल जाएगा मैडम। आरिस का फोन टैप करो। ऑलरेडी किया है। और उसके बाप का? बाप का? लगता है ये केस का भूत सवार गया है मैडम पे। कोई तो ईमानदारी से काम कर रहा है, करने दो। अबे साले रुक रुक। अबे क्या? अबे हाथ बट्टे के अड्डे पे स्कॉच की बोतल। क्या? अरे साले वो लड़की देख। ये लेट हो गए तो वो निकल जाएगा। सलमान रुकना यार दो मिनट। पागल है क्या तू? पहले दमड़ी फिर चमड़ी। यहाँ कोई सलमान नाम का लड़का है क्या? मैडम सलमान नाम से तो बहुत से, आपको कौन सा चाहिए? वही जिसकी बॉडी है, भाई समझता है अपने आप को। अब सलमान नाम है तो बॉडी तो हो गई ना। जानना कौन चाहता है? तुझसे मतलब? ए चिनल। ए ए भैंची साले। तू माफ की साल।
चाल तेरी माँ की, चल हट। रंटी रुक साली, बहनचोद मुझे मारेगी। सोडा सर, मोरे कशाचे देतो है पार्टी? कब से बोल रहा हूँ उसको चाय पिला, वो भी नहीं पिलाई अब तक। अरे कहाँ इस धूप में चाय, अब तो कुछ ठंडा ही चाहिए। सही बात है सर, आज काम भी बहुत हुआ है। गुड मॉर्निंग मैडम, आप ही की राह देख रहे थे। जिन्होंने ये किया है उन लड़कों को लाते उठा के। न्यूज इतनी जल्दी फैल गया क्या? हाँ, वो भी वीडियो के साथ। फिर से क्लास लेंगे साहब। लेकिन मैडम अभी तक किसी को पता नहीं है कि वो लड़की आप हो। कितना टाइम लगता है? तो चलो। हाँ, चलो। थांबा, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? पहले केस। और मैडम देखो, इन्वेस्टिगेशन करते वक्त हमें उन लड़कों के बारे में भी पता चल जाएगा, फिर उन्हें भी सुजान सिंह बनाएंगे। ये क्या कह रही है मैडम? अला लगा काम वाला। कल का कलेक्शन कम क्यों हुआ? तो भाई ताहिल का क्लब बंद था ना, वो कोई अंकल मर गए। फिर भी कम था। हाँ, वो खोपड़े का धंधा भी बंद कर दिया ना थुल्ले लोगों ने। सलाम भाई। तो खोपड़े को बाहर निकालो ना, अपने लोग अंदर रहेंगे कैसे चलेगा? क्यों बे चपाती चोर? क्या भाई, क्या लफड़ा किया तू? कैसा लफड़ा भाई? तेरे को ढूंढने आई थी एक लड़की। कुछ नहीं भाई। मादर चोर, लड़की का लफड़ा किया ना? मेरे को संभाल लो भाई खुदा के वास्ते। लड़की की इज्जत लूटता है, खुदा का वास्ता देता है हरामी। भाई अपनी नहीं थी, दूसरे मजहब की थी। ये किसने लाइसेंस दिया? माफ कर दो भाई, ऐसी हरकत के लिए मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। भाग भाई, गलती हो गई भाई, गलती हो गई भाई, आगे से नहीं होगा भाई, आखिरी बार माफ कर दो भाई। तुझे सिर्फ पुलिस के हवाले नहीं करेगा, फालतू में मेरे लोग इसमें खींचे गए। फिर से कुछ सुनाई दिया, दोबारा कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा। जी भाई, चल खुदा हाफिज भाई। पैर पे अटैक करो या पैर में गिरो, सामने वाला फुस हो जाता है। क्या नाम है हरीश के बाप का? फिरोज। मैडम उस फोन का डेटा इस फोन में ट्रांसफर कर दिया है। अम्मी आया मैं। काम में थोड़ा लेट हो गया अम्मी। रुक अपन खाना खाते हैं। थोड़ा ठंडा हो गया अम्मी, अब ना मैं किसी को रखूंगा तेरी देखभाल के लिए, जो खाना भी बनाएगी। ऐसे मत देख, इतनी जल्दी अपन निकाह नहीं करने वाला है।
ये क्या सूंघती रहती हो? ये नीलगिरी तेल। अच्छा, एकदम प्योर अर्क है या? क्या पेद्रू है वो जोशी मैडम, देख एकदम शेरनी निकली। फिर अकेले घुस गई। कुंफू कराटे वाली है ये। नक्सली बाग में बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं। तभी सोचूं इतनी कम उम्र में एपीआई कैसे बनी। आरएस और सलमान को कभी एक साथ देखा था? नहीं। हाँ जय। मैडम आरिस का फोन लोकेट हो गया। किधर है? गुरुनगर, पर एक फोन करके बंद कर दिया। तुम टीम के साथ वहां पहुंचो, मैं आती हूँ। जी मैडम, हम वहां सिविल में पहुंच जाते। फैजा, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। क्या? हमें आरिस का लोकेशन मिला है, लेकिन हम में से उसे किसी ने कभी देखा नहीं है। क्या तुम हमारे साथ चल के उसे आइडेंटिफाई करोगी? No, ma'am, I'm scared. हमारे होते हुए तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। Ma'am, please leave me out of this. दिव्या के लिए। मैडम, फोन इसी इलाके में ऑन हुआ था। सेल टावर के रेडियस से तो तालाब से अंगूठी ढूंढने के बराबर है। अंगूठी में नगीना मिलेगा। वैसे आरिस के रिश्तेदार जहाँ पे हो सकते हैं, वो इलाका इतना बड़ा नहीं है। तुम लोगों के पास उसके फोटोज है ना? जी मैडम। ठीक है, वहाँ जाके तुम लोग पूछताछ करो। मैं और फैजा यहाँ रेस्टोरेंट में बैठते हैं, एक घंटे में ब्रीफ करो क्या हुआ। चलो फैजा। थैंक यू। दिव्या तुम्हारी क्लोज फ्रेंड थी ना? मैं जानती हूँ कि क्लोज फ्रेंड खोने का दुख क्या होता है। मेरी एल्डर सिस्टर। I'm sorry. You know, फैजा, लाइफ के ऐसे इंसिडेंट्स ने हमें और स्ट्रॉन्ग बना था लड़ने के लिए। We really appreciate your time. मैम, क्या आरएस की वजह से दिव्या ने सुसाइड किया? That's what we want to find out. मैडम, किसी को पता नहीं है। Fuck. I'm sorry. एक काम करो, तुम फोन को लोकेट करते रहो। रुको, मैं आती हूँ। हाँ दी, तुमने वो वीडियो क्लिप देखी? कौन सी? अरे मैंने फॉरवर्ड की थी थोड़ी देर पहले। अरे नहीं, फील्ड में थी मैं। मुझे लगता है वो उसी लड़की की है जिसकी फाइल तुमने लाई। दिव्या? यस। मैं अभी देखती हूँ। मैडम, वो सिम गांधीनगर से इशू हुआ था। इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। दुकान का पता चला? जी मैडम, सात हो गया है, देखते हैं। वी नीड टू गेट होल्ड ऑफ दैट पर्सन। राइट। मैडम, अभी अरीज और फिरोज के बीच में बात हुई। और वो अरीज को 4 बजे मिलने जा रहा है। अब वो छूटना नहीं चाहिए। आ गया। मोरे ठगे, तुम दोनों उसको फॉलो करो, हम दोनों को वो पहचानता है। बिल्डिंग जैसे ही पता चले, एक जन वहां रुकेगा, एक जन यहां वापस आएगा। जी मैडम। यस मैम।
प्लीज डोंट माइंड. नो नो ऑफ कोर्स नॉट. Are you tensed? Anxious. मैडम ने क्या बोला है पता है ना? अजय आरिज माइनर तो नहीं है ना? 19. वेपन कैरी कर रहे हो? हाँ, क्यों? ये लोग हंगामा कर सकते. मैडम वो एक बिल्डिंग में गया है. चल. ये बिल्डिंग मैडम इसी बिल्डिंग में गया है. फ्लोर पता चला? नहीं मैडम, मैंने सारे नेम प्लेट पढ़े, उसमें दो शेख और दो खान है. फैजा तुम अंदर जाओगे और बोलोगे कि तुम सर्वे कर रही हो. मैं? प्लीज. कैसा सर्वे? यही कौन सा मैगजीन पढ़ते हैं ये लोग. एक नोटबुक और पेन लाना. ठीक है मैडम. जल्दी फैजा तुम अंदर जाओगे और बोलोगे कि तुम यहीं पास में रहती हो और स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए सर्वे कर रही हो. नहीं मैम, मुझे बहुत डर लग रहा है. दिस इज द लास्ट वन. और हम सब है ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. तुम्हें सिर्फ अंदर जाना और ये देखना है कि कौन से फ्लैट में आरिज या उसके पिता हैं. सिर्फ चार फ्लैट्स में जाना है. जाओ फैजा. हेलो अंकल, मैं अपने स्कूल के लिए सर्वे कर रही हूँ, तो क्या आप मेरी थोड़ी कौन सा स्कूल? डीजे विद्यालय. अंकल बोलो. अंकल मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ बेटा आओ. अंकल यहाँ कितने लोग रहते हैं? फिलहाल तो हम अकेले हैं. अच्छा, आप मैगजीन कौन सा पढ़ते हो? हम अकेले ही हैं और शादी करना चाहते हैं. ओके अंकल, आई विल कम लेटर. ओके. अरे अंदर तो आइए. नो नो थैंक्स अंकल. अरे सुनो तो. व्हाट अ क्रीप. डोंट वरी, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगी, तुम्हारे साथ हूँ. लेट्स गो. ये हालत समझी. चल. Yes. हेलो आंटी, मैं अपने स्कूल के लिए सर्वे कर रही हूँ. नहीं अभी नहीं. बस दो मिनट आंटी. मैं अभी बिजी हूँ. प्लीज आंटी, कल मुझे सबमिट करना है. ठीक है बोलो. हाँ आंटी, यहाँ कितने लोग रहते हैं? 5. अच्छा, आप मैगजीन कौन सा पढ़ते हो? नहीं पढ़ते. अच्छा, न्यूज़पेपर कौन सा आता है? इंडिया समाचार. ओके हो गया. हाँ बस दो मिनट आंटी. आंटी पानी मिल सकता है? ठीक है रुको. क्या चाहिए? वो अंकल आंटी पानी ला रही है. लड़की तुम अंदर कैसे आई? वो तुम्हारे अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं भी आई हूं. आप इधर आ नहीं सकती. क्यों? वारंट है. हम एक मिसिंग लड़के की तलाश कर रहे हैं. कौन सा लड़का? अरे आप ही ने तो कंप्लेन लिखवाई थी. कहाँ है आरिज? या कोई नहीं है. Let's go! Hey, look! Look, Sonny! Oh! 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 Oh
भाग लिए हीरो, ऑटो चल चलाते रहे तू, चल साला बहुत भागता है ना। सॉरी के ए अनारकली, आ गया तेरा बाहुबली। किधर जा रहे हो? ए पत्ता गोपी, मेरे को रुकेगा सौने? ए बल्ली, जाने दे उसे, उसकी लाल बत्ती चल रही। पहले बोलने का ना, ये सवाड़े है। अनारकली तो चली गई, अब तू भी वंटा सो जा सलीम। क्या रे सलमान, बहुत दिनों के बाद आए तुम लोग। खड़ा हो गया, आ गए। पहले का बाकी लाया है ना। तेरे को क्या फटीचर लगते क्या हम लोग? हाँ, अरे तो उदारी क्यों रखते हो? ए अल्टी पल्टी, ज्यादा उछलने का नहीं। जेब में पैसा आता है ना तो आवाज कड़क होती है। चल चल निकाल। नया माल है कि नहीं? पहले पैसे। ए बिना गोली की बंदूक। भीख मांगने की तमन्ना हो रही तेरे को? अरे सलमान नीचे कर उसे। आंखें निकाल लूंगा तेरी। नीचे कर उसे, मैं बुलाती हूँ, बुला उसे। नाम है सलमान, लेता हूँ दिल या जान। अरे सुन, सब वांगचिंग पोंग मत दिखा। हाँ जान। फैजा इसकी माँ की। तुझे क्या हम चूतिए लगते हैं? मुझे कुछ नहीं पता मैम, मैंने कुछ नहीं किया है। अर्जुन टाका नीलगिरी। जी मैडम, मैम प्लीज प्लीज प्लीज। देख बुलवाने से अच्छा है तू खुद ही बोल। बोल गांडो। मैम सबसे पहले मैंने दिव्या को क्लब पे देखा था। शी वाज अ रियल चैंप। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन। पीड़ा दिव्या, वेरी गुड दिव्या, आपका टाइम इम्प्रूव हो रहा है। कीप इट अप, एक दिन आपका नाम उस वॉल पे जरूर आएगा, मुझे विश्वास है। थैंक यू सर। बाप खड़ू से उसका, मुझे बाप से क्या करना है? क्या बात है, आरी इसको कोई लड़की पसंद आई? तू जानता ही इसे? ऑब्वियसली। अरे तो इंट्रो करा ना। यहाँ पे पागल है क्या? पहुँचे यहाँ पे, बाहर चल। दिव्या मेरा एक पिक लोगी? हाँ शॉप। ये क्या कर रही हो? अरे करो ना क्लिक। यू श्योर? ऑफ कोर्स। बॉयफ्रेंड को भेजेगी ऐसा पिक? हाँ वो भी तो भेजता है उसे। ये देख। उसके बॉयफ्रेंड का ऐसा पिक तुम्हारे पास? काया ने भेजा यार। वैसे इजंट ही गिफ्टेड?
दिव्या तुम फिश फूड खाती हो क्या? What? You're swimming like a fucking fish, dude. पापा मेरा डाइट मॉनिटर करते हैं, खिलाते भी होंगे. वही तो नहीं होता यार, अब डेट पे जाऊंगी तो कुछ तो जंक खाऊंगी. डेट? हाँ, as if तुम नहीं जाती. हिटलर का पुनर्जन्म हमारे घर पे हुआ है. दिव्या बोलो अर्जुन, तुम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही हो? ऑफ कोर्स. कौन सा स्कूल है तुम्हारा? डीजे विद्यालय. हाँ, डीजे विद्यालय. क्यों? नहीं, तुम लोग ही जीतोगे इस बार. ओह बाय द वे, माय फ्रेंड आरिज. हाय. तुम अभी पूल पे थे ना? तुमने मुझे नोटिस किया? ऑब्वियसली. यू स्विम लाइक अ फिश. यार थैंक यू, यू आर द सेकंड पर्सन टू से दैट टुडे. बट दैट्स ट्रू. मैं भी एक क्लब पे फुटबॉल खेलता हूँ. आई सी. कैप्टन है. वाओ. कॉफी? टुमारो. आज मेरे पापा आए होंगे. श्योर. बाय. सी यू. बाय. हम रोज मिलने लगे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे. आरिज, क्या तुम मुझे घर जाने के बाद मिस करते हो? बहुत ज्यादा. और तुम? मैं अपने आप को क्यों मिस करूंगी? मेरा मतलब. किडिंग बाबा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ. कल नहीं मिस करेंगे एक दूसरे को. मतलब? कल मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन जा रहे, तो तुम घर पे आ जा. Really? Let's have dinner together. Hi. Hi. बाहर ही खड़े रहोगे? No. तुम आज क्लब नहीं आए? I didn't wanna get tired, yeah. नहीं तो तुम आते और मैं सो जाती. Really? I wanted to spend time with you. तुम्हें पता है आज मैंने ना हैट्रिक मारा. हाँ, लगता है टूर्नामेंट तक मेरा फॉर्म पीक हो जाएगा. तुम्हें फुटबॉल छोड़ के और कुछ अच्छा लगता भी है? तुम? लगता तो नहीं है. अबे हाथ मत लगा. वे, अरे मैं ना चीजों के नहीं देते. बंद करो इनको, मैं आके मिलती हूँ थोड़ी देर में. चलो. मामा का ये ब्रूस ली की माँ पुलिस वाली है क्या? मैडम, वो नंबर सलमान यूज कर रहा है. कैरी ऑन. उसके घर पे मिले
बाकी हमेशा क्लब पे मिलते थे। वो भी अगर दोनों का प्रैक्टिस नहीं होता था तो, या दिव्या के पापा नहीं आए हो तो। फिर उसके बाद तूने सलमान को दिव्या से मिलवाया? नहीं मैडम। झूठ मत बोलना। खुदा कसम। देख अगर तू सब कुछ सच सच बताएगा तो मैं तुझे सजा से बचा सकती हूँ। तो बता दिव्या और सलमान कैसे मिले? मेरा बर्थडे था, दिव्या और मुझे साथ में सेलिब्रेट करना था, पर उसका घर से निकलना बहुत मुश्किल था। छोटे बोटी हमेशा मिल बांट के खाने का। सही बात बोला भाई। ये तुम लोग पार्टी करो, हरामी पंती नहीं। ये हरामी पंती नहीं करने, हरामी पंती नहीं। ये हरीश, सुबह तेरा अब्बा बैठा था चौक में, कुर्सी डाल के बैठा था मस्त। क्या? हाँ, अबे आने जाने वाले लोग को बोल रहा था मेरे को एक मारो क्योंकि मैंने ऐसी औलाद पैदा की है। बर्थडे बॉय की लो मत। अच्छा ठीक है, तेरी ले। ए मजनू। अरे क्या? अरे सुन ना बे। आ जान। What's up? तुम्हें मिस कर रहा हूँ। Me too यार। यार आज तो तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए था। करो मुझे मिस। क्या यार? तो मेरे फोटो के साथ पार्टी करो। हाँ तो भेजो ना। है ना तुम्हारे पास? ऐसी नहीं। तो? यूँ। Are you crazy? अरे इतना तो कर ही सकती हो मेरे लिए। What? Baby हम साथ में होते, तो न्यूडी तो होते हैं ना। That's different. मेरा बर्थडे गिफ्ट समझो। नहीं। सिर्फ एक पिक। आरिज। देखो तुम भेजोगे नहीं ना, तो मेरा बर्थडे और डेथ डे एक ही होगा। Shut up. I'm serious. इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। हाँ सोच लो। डूड बाय। फिर मुझे देखोगे या नहीं ये तुम्हारे हाथ में। हो गया तेरा गुटरगू। लवर बॉय बिजी है। हमसे बड़ी अब लड़की हो गई। अपने को ये थोड़ी ना है भाई। क्या तुम लोग का चुतियापा है यार? हमारा चुतियापा और तेरी चूत। सही बोला। मेरा बर्थडे गिफ्ट समझो। बॉयफ्रेंड को भेजेगी। अरे करो ना क्लिक। इतना तो कर ही सकती हो मेरे लिए। वो भी तो भेजता है उसे। सिर्फ एक पे। देखो तुम भेजोगे नहीं ना, मेरा बर्थडे और डेथ डे एक ही होगा। एक केक किधर है यार? केक काटते ना यार, बर्थडे मनाते हैं अभी। चलो चलो चलो। ए आरएस आ जा भाई। धीरे से धीरे से। हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन सा है? चौदू। अदर चोस चौदू। हैप्पी मां का बर्थडे। मां का चोस साले बहन। धीरे से धीरे से। बैठ बैठ। क्या है क्या? नया केक खा ले ना, केक खा ले। अब रुक ना यार, अब रुक। ऐसे क्या कर रहा है? इसने हरामी हो यार। अरे यार मार दिया यार। हटना ही खा ले यार। केक किधर गया? आयुष उतर गई मेरी सब। फोन दे उसका। अबे साले तेरे को उसका पासवर्ड कैसे बता रहे?
अपन मास्टर की है बे। ओ बहन चोद, इसकी आइटम देख, नंगी। अच्छा रुक रुक रुक, मैं अपने फोन पे फॉरवर्ड करता हूँ। कर 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 जल्दी। सिर्फ एक ही फोटो भेजने बोला था मैंने। भोसड़ी के सिर्फ एक के, तेरे सिर्फ एक फोटो की वजह से उसकी जान गई है। आगे बोल। सलमान ने अपना लकड़बग्गापन दिखाई दिया। लकड़बग्गा है ना, तेरी हिंदी तो बहुत अच्छी है। नहीं मॉम, प्रोटीन शेक का टाइम है। नो, पापा ने कहा है। चलो देखा। Who's this? मैंने व्हाट्सएप भेजा, वो देखा क्या? कौन हो तुम? मैसेज देख फिर समझेगी। What rubbish? फिर कॉल करेगा। ब्लू टिक मतलब तुमने देखा मेरा मैसेज। कौन हो तुम? सलमान, जो लेता है दिल या जान। ये मेरा फोटो तुम्हारे पास कैसे आया? वो सब छोड़ना, ये पूछ मैं क्या चाहता है। क्या? मेरे को वीडियो कॉल कर अभी। आर यू मैड? दोबारा फोन मत करो। ओए मैडम, फोन नहीं करेगा, ये फोटो सबको भेजेगा। क्या कहते उसे, वायरल। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अब समझी। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। हाँ नहीं समझी, तू जानती नहीं मेरे को। अपने आशिक को पूछ क्या चीज है अपन। क्या क्या हुआ दिव्या? कुछ नहीं, प्रैंक कॉल। तो फिर इतने डरी हो क्यों? ओह कम ऑन, मैं क्यों घबराऊंगी? आर यू श्योर? हाँ ओके। हाय जान। गेट लॉस्ट यू बास्टर्ड। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? यू बीट्रेड माय ट्रस्ट। मैंने क्या किया? सलमान को पूछो जाके, यू ट्रेटर। एक मिनट दिव्या, कुछ गलत फहमी हुई है, देखो। फक ऑफ। दिव्या, दिव्या। Yes, champ. उस वीडियो क्लिप का सोर्स ढूंढना था। What? तुम ये कर सकते हो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। प्लीज जल्दी करना। हाँ। ये सलमान,
अरे मजनू मेरा भाई, कैसा है? हरामी, तूने दिव्या को कॉल किया? मैंने? तुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? बड़ा मजाक किया रे। मजाक? साले गद्दार। ए छोटे, फुटबॉल पे ध्यान दे। हाँ, सलमान को दुनियादारी मत सिखा। सलमान देख, तू चूतियापा मत कर, उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। तू डोका मत चोद। अरे वैसे भी अपनी थोड़ी ना है ये लड़की। क्या? चल भाई येड़े निकल। सलमान तू मेरा दिमाग मत हिला। अरे चल चल, बाद में देख लेंगे यार। सुबह समझा उसको यार। धोखा गरम है उसका, बाद में। हेलो। तेरे को क्या लगा आरिस को बोला तो सलमान चुप बैठेगा? वो झाटू मेरा क्या करेगा? तुम प्लीज मुझे तंग मत करो। मेरे को अभी वीडियो कॉल कर, नहीं तो ये फोटो तेरे बाप के फोन पे होगा। क्या? मजाक नहीं कर रहेला है। आरिस को पता है? भाई है वो अपन का। अब ज्यादा टाइम खोटी मत कर। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। 5 मिनट? नहीं, अभी घर पे सब लोग हैं। तो कब? 11 बजे के बाद। 11:15 तक तू मेरे को कॉल कर, नहीं तो ये फोटो तेरे बाप के फोन पे होगा, समझी? डरी थी, करेगी फोन। लगता है हरीश प्यार करता है उससे। तो हम थोड़ी ना नफरत करते हैं। हरीश नाराज हो जाएगा। लेकिन एक बार सोचा छोड़ दूं, पर छोटे मियां कहां मानते हैं। ए, देख, सलमान कभी गलत नहीं होता। बोलो डियर, क्या चाहते हो? तेरे को तो मालूम है, मेरे को तेरे को पूरा देखने का है। मतलब? ए नाटक मत कर, कपड़े निकाल। मुझे प्रॉमिस करो कि ये लास्ट वीडियो कॉल होगा। एकदम प्रॉमिस। ओके। लगता है तेरे को बहुत मजा आ रहा है। क्या? तो फिर इतना धीरे धीरे क्यों निकाल रही है? क्या दिखती है रे तू? अब हो गया? थोड़ा ठीक से दिखा ना, थोड़ा घूम घूम ना, लाइट में आ, थोड़ा दिव्या। दिव्या पूरी तरह से फंस गई थी मैम। क्या दिखती रे तू? यू बास्टर्ड। क्या बोली? तुमने रिकॉर्ड किया? इतनी गच्चम आइटम को रिकॉर्ड नहीं करेगा क्या? फोन क्यों किया? तुमने प्रॉमिस किया था कि दोबारा परेशान नहीं करोगे। तो अपन कौन सा भीष्मा है?
तेरे को मिलना है। पागल हो? तेरे को देख के हो गया, ख्वाब देखते रहे ना। ओए ज्यादा होशियारी मत करा, डालू क्या वीडियो इंटरनेट पे? देखो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। सही बोली, तुम प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। तो मिलो। कहाँ मिलना है? एड्रेस और लोकेशन पिन पहुंच जाएगा कल दोपहर 2 बजे, आ जाओ। वेलकम। तुम सलमान, जो लेता है दिल या जान? इडियट। मैं प्यार से बात कर रहा ना तेरे से। तुम्हारा प्यार किसको चाहिए? मेरी नफरत क्या है जानती नहीं है तू? अभी आना। अब मैं तुम्हें मिली हूं ना, तो अब वो फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दो। बियर मस्त ठंडी है, तुम वो डिलीट करो। बहुत गुस्सा है। सॉरी। जोक भी मेरा खून पीने से डरती है, है? अब मैं पुलिस कंप्लेन करेगा, फिसड़ेगी तू जेल में 307 के अंदर। गलती से हुआ। और फिर तो तेरे फोटो और वीडियो भी वायरल हो जाएंगे। तेरे घर वाले तो शर्म से लटका लेंगे। प्लीज ऐसा मत करो, जो तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूं। कपड़े निकाल। क्या? मैं बोला अब तुम पर। मैंने किया, अब वो फोटोज और वीडियो डिलीट कर दो और प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। जाने मन मेरा घाव अभी भरा नहीं है। मतलब? परसों इधर ही आ जा, यही टाइम। झांसी की रानी की तलवार।
तुझे पता था कि दिव्या प्रेग्नेंट थी? सुसाइड करने से एक दिन पहले उसने मुझे सब बताया था। और मैं क्या करता? वो मेरी वजह से प्रेग्नेंट नहीं थी। भोसड़ी के, ये सारी कहानी तेरी वजह से हुई है ना? प्यार करता था मैं उससे। ऐसे? मुझे नहीं पता था वो ऐसा कुछ कर बैठेगी। देख, अगर तू दिव्या के लिए सच में कुछ सही करना चाहता है तो सलमान को पकड़ने में हमारी मदद कर। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसको तो हम संभालेंगे। तेरे को तो सजा लगेगी, लेकिन तू हमारी मदद करेगा तो तुझे छोड़ देंगे। वो तो है। सलमान को क्या बोलना है याद है ना? इसका बाप गया घर? जी मैडम। लगाओ फोन। बोल छोटे, किधर है? अरे मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। कितना टेंशन लेता रे तू, वो फैजाब कुछ नहीं बोलेगी। सेट किया उसको अपन। मतलब? बोलेगा रे मिलने के बाद। हाँ तू मिलना मुझे, मैं अभी घर नहीं जा रहा। तो फिर कहीं बाहर मिलते ना। ये कुत्ते लोग तेरे पीछे तो नहीं है ना? नहीं नहीं, इसीलिए तो मैं घर नहीं गया। तो फिर किधर? मेरे क्लब के उधर कैफे में। टाइम एक घंटे बाद। ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। तुम सब लोग पहले से वहां पहुंच जाओ। जी मैडम। दो दो करके दो टेबल पे बैठना और बाकी के फैल के बाहर। और तुम बिल्कुल नॉर्मल रहना, उसे डाउट नहीं आना चाहिए। यस मैम। चलो निकलो सब, और तुम थोड़ी देर के बाद ऑटो से जाना। जाओ जाओ जाओ, निकलो फास्ट।
यू हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं वादा करती हूँ मैं उन शैतानों को सजा दिलवा दूंगी। प्रॉमिस। कितने लोग थे? दो। ये उन दोनों ने किया? सलमान ने, अकेले ने। क्या बोला? मैंने कहा था अब सबक पर एसिड ऑन माय फेस। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। चारों तरफ ध्यान रखो, मेरी नजर आ रही है इसमें। अरेज सज्जू तू यहाँ क्या कर रहा है? सलमान भाई ने भेजा है। वो किधर है? थोबड़े को क्या हो गए? अरे बिस्कुट है। ये साजिद है। छोड़ यार। सलमान किधर है? अरे मुझे क्या मालूम इधर क्या कर रहा है। अरे दोस्त दिखा तो रुका बात करने के लिए, चाय पीने आया था। किसका फोन है? चूहा निकला तू हरामी। सुन सल्लू मेरी बात सुन। सुनेगा नहीं, अब तेरे को दिखाएगा सलमान से गद्दारी का अंजाम। हेलो हेलो सलमान। क्या रे सलमान किधर है? अरे जाफर भाई आप? सलमान इधर रहता है ना? कल से आया नहीं भाई। उसको मुनाफ भाई का पैगाम देना। आया तो बोलता भाई। कैसे पहुंचाना है वो तू देख। ठीक है भाई। उसे कहो कि इस बस्ती में दोबारा ना दिखे। 8 घंटे है उसके पास, समझा गया? चलो। तुम लोगों ने किशारे तक तय नहीं किया था? कमाल करते हो, अब वो सतर्क हो गया होगा। मेरा मोहल्ले में जाना भी मुश्किल है। इसको कहीं सुरक्षित रख सकते? मैडम मेरे घर पे रख सकते हैं 2-3 दिन तक। सलमान पकड़ा जाए तब तक। हाँ लेकिन तेरा नमाज वगैरह नहीं चलेगा मेरे घर पे। वैसे भी मैडम चूहे को बाहर तो निकलना पड़ेगा। मुनाफ ने सलमान को बस्ती से बाहर जाने का आदेश दिया है। उसके पास सिर्फ 8 घंटे हैं। बात पक्की है? हाँ वो गर्दुल्ले फारूक ने बताया। फील्डिंग लगा के रखो। कैसी हो आई? तूने बाबा को कॉल क्यों नहीं किया? आई एक केस में उलझी हुई थी तो भूल गई। अपने पिता का 60वां जन्मदिन कोई कैसे भूल सकता है? आज कॉल करूंगी आई। वो दिखाते नहीं है पर उनके दिल में क्या है मुझे सब पता है। आई कहा ना आज करूंगी कॉल, अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। तुझे तो इंसानों से ज्यादा मुजरिमों की लग पड़ी है। आई फिर से वही सब। एक वीडियो भेज रही हूँ बाबा के सत्कार का, वो देखने के लिए तो तेरे पास टाइम है ना? आई अपना ख्याल रखना। अच्छा अच्छा ठीक है। मैडम कल सलमान ने मुनाफ और जाफर दोनों को मार डाला। व्हाट? और ये तो मुझे अभी बता रहे हो? उन्होंने खबर बाहर ही नहीं आने दी, अभी अभी फारूक ने बताया मुझे। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास।
क्या रीत, अपन को देख के तेरा थोबड़ा काय को गिरा रे। बल्ली सलमान किधर है? उसके पास लेके जा रहे ले। भड़वे चल। आरिस सलमान के हाथ लग गए। What the fuck is happening? सलमान क्या जादूगर बन गया? ढगे क्या कर रहा था? वो आरिस नमाज पढ़ने गया था, तभी उठा सालों ने। वो जो चाहे कर रहा है और हम बस खड़े। साहब को भी अपडेट चाहिए। उनको कभी फील्ड में उतरने को भी बोलो। कुर्सी पे बस खोजाते बैठेगा और अपडेट दो और कलेक्शन कितना हुआ। तुमने फैजा को प्रॉमिस किया। सर वो कादर और लतीफ बोल रहे कि सलमान को पकड़वाने में हमारी मदद करेंगे। अरे आरामियों को बस बाहर निकलना है, इनको तो बस बदला लेना है। ऐसे ये लोग भी जानते कि वो इन्हें भी मार देगा। अभी तक कोई खबर नहीं आई क्या? नहीं सर। देखते हैं, मैडम से बात करेंगे, उन्हीं के मुजरिम हैं ये दोनों। जी सर। आप सबने मुझे जो मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। मुझे गर्व है कि मुझे आप जैसे प्यार करने वाले लोग मिले। आज दुख सिर्फ यही है कि मेरी बड़ी बेटी देवी साथ में नहीं है। इतने साल बाद आज मैं देवी की आत्महत्या का राज सबको बताने वाला हूं, जो मैंने आज तक अपनी बीवी से भी छुपाया था। उसने मुझे एक खत लिखा था जो बाद में मुझे मिला। देवी ने मुझे राज रखने बोला था, पर आज मैं सबके सामने बताऊंगा ताकि ये किसी और बेटी के साथ ना हो। देवी का कुछ दरिंदों ने बलात्कार किया और शर्म के मारे मेरी नन्ही परी ने अपनी जान ले ली। क्यों ऐसे शर्मनाक काम कोई और करता है और जिसपे अत्याचार होता है उसे शर्म महसूस होती है? क्या हमारा समाज इस सोच के लिए जिम्मेदार नहीं? मुझे मेरी छोटी बेटी गौरी पे नाज है कि वो ऐसे समाज विरोधी लोगों को सजा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इंस्पेक्टर गौरी। मैडम सलमान का पता मिला है। कौन बोल रहा है? मैं फारूक। बोल फारूक। मैडम वो अजय साहब मुझे कुछ देते हैं। तो उनको क्यों नहीं किया फोन? उनका फोन नहीं लगा। कहाँ है? तुम्हें तुम्हारा मिल जाएगा। नूर मंजिल। ये कहाँ पर है? यही गांधीनगर में। ठीक है। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात। अब राज करना है तो नोट तो चाहिए ना। वैसे भी क्रिमिनल लोग को ठोकते तो ठुल्ले लोग ज्यादा परेशान नहीं होते।
सलमान एक बार अब्बू को कॉल कर लेने दे। मरने वाला है बोलेगा। उनको मेरी फिक्र लगी होगी। इधर कोई नेटवर्क नहीं आता, तेरे को क्या येड़ा लगा क्या मैं ये जगह चुनने को? फिर तेरे पकड़े जाने की खबर तेरे घर तक कैसे पहुंचेगी सलमान? मेरा पकड़ने आई है। आइटम नहीं लग रही है, पुलिस है तो पकड़ लो बहनचोद। तेरी माँ का कुंग फू कराते तेरा खेल खत्म सलमान। अगर कोई भी आगे आया तो पहले इसको खत्म करूंगी फिर तुम लोगों को। चल भोसड़ी के उठ। मेरा खेल तो अभी चालू हुआ है जाने मन। बांध लो साली को, इसकी मां का। साला फोन बंद होता है ना तभी इतने मिस्ड कॉल आते हैं। मैडम इतने रात को क्यों फोन कर रही थी? कुछ अर्जेंट होगा। अब उनका फोन बंद है। साला ये गर्दुल्ला फारूक भी ना क्यों फोन कर रहा था मुझे? खबर होगी कुछ? नहीं रे। देखो आप चूतिये को बस पैसे चाहिए होंगे। पहले ना बात करूंगा बीवी से वरना वो करेगी शक। हाँ अगर बैटरी डाउन होती। हाँ चार्जर मिल नहीं रहा। खुद को क्या शेर नहीं समझती है? अकेली चली आई शिकार करने, और आई भी तो कहाँ, शेर का शिकार करने। तू और शेर? अरे पलटन तो लाती, भाई है अपन, इज्जत है अपनी भी कुछ। छोटी लड़कियों को मारने वाला भाई नहीं बुजदिल होता है। अच्छा तू तो बड़ी है, गर्मी भी बहुत है तेरे में, ठंडा करना पड़ेगा है? ए, कपड़े निकाल इसके। रुक, अम्मी के खाने का वक्त है, थोड़ा इंतजार का। साला रोज रोज इतना लेट खाके ना, देख एसिडिटी हो गया रे। पुलिस की नौकरी में तो ये दहेज में आता है सर। अरे बाबा ये गर्दुल्ला फिर से 3 बार कॉल किया मुझे, चला उसकी गांडी मारता हूँ। रुक क्यों बे भोसड़ी के, इतने रात को क्यों कॉल करता है? पक्का ना? मोरे अपनी पूरी टीम को अभी के अभी इकट्ठा करो, हम लोग को निकलना है। मैं साहब को अपडेट करता हूं। पर हुआ क्या है? पानी अजान छोड़ दे हमें यार, सलमान मार डालेगा हमें।
मतलब मैं मर जाऊं? पागल हो गया है वो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देती हूं। तुम्हारी गारंटी है क्या? अजान खुदा का वास्ता है तुझे। कुत्ते, तेरे लिए अपनी जान धोखे में डाल रहा हूं। मैडम आप ठीक तो? मैं गवाह बन गया। कुछ नहीं बचेगा, वो शोल्डर पे गोली लगी। नीचे कितने लड़के थे सलमान के? आ गए सब के सब। सलमान के घर चलो। मैडम नीचे पेट से मुड़ी ये है ना, ये हमें सलमान का घर दिखाएगा। Yes, ma'am. चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। चलो सलमान, सलमान चल, सलमान चल यार, ठोले लोग आए ले यार। चलना चल। अरे देख के रहे, चल सलमान चल यार, तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? ठोले लोग पीछे पड़े यार, चल। अरे रुक जाइए। मासूम लोगों को मारना है आपका कानून है? आरिज जैसे मासूम की जान सलमान की वजह से गई है। ये तो होना ही था, पुलिस की मदद करेगा तो मरेगा ही। क्या बक रहे हो आप? हमें बस सिखाओ, यहाँ से चले जाओ। मैडम आप यहाँ से चले जाने में होशियारी है, इस पर सलमान हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। देखिए हमारे पुलिस वाले को गोली लगी, मुझे भी काफी जख्म हुए, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर खड़े किसी को इंसाफ देने के लिए। हमारी किसी से कोई व्यक्ति का दुश्मनी नहीं है। पुलिस के बेस में हथियार है, मारो, 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 मारो। बैकअप कहाँ है? मैडम पता नहीं, निकलते हैं यहाँ से प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर रहा है यार? एक शैतान को बचा कर उसी का समर्थन कर रहा है? तुम भी काफिर हो गए क्या? आपको पता नहीं कैसे मुनाफ भाई को धोखे से मारा है सलमान ने? वही मुनाफ भाई जिन्होंने आपकी बेटी की शादी का खर्चा किया था। जाफर भाई को भी मार दिया, और आप सबने देखा ना, सोए आप आके साथ किसी की मां बहन कैसे सुरक्षित होगी जब तक सलमान यहां पे होगा? मैं जा रही हूं सलमान को पकड़ने, अगर आप लोगों को मेरी लाश गिरानी है तो वही सही। इसलिए टाइम पे अपडेट करते जाओ।
चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। याद रहे, बाहर रहवासी भी है जिनमें से तुम्हारी अम्मी भी है, अंदर से चलाई गोली किसी को भी लग सकती है। 2 मिनट के अंदर तुम लोग बाहर आओ, वरना हमें अंदर आना होगा। अब हम लोग अंदर आ रहे हैं, प्रतिकार का जवाब गोली से दिया जाएगा। किधर है? पता नहीं। पता नहीं मतलब कहाँ है? अंदर नहीं, पता नहीं कहाँ गए। ए, ढूंढो सलमान को। इन्हें ले चलते हैं यहाँ से पहले। सर, मेन कल्प्रिट तो मिलना चाहिए। सिचुएशन को समझो और चलो यहाँ से। सर, सलमान के बिना वी डोंट हैव अ केस। इट्स एन ऑर्डर। लेकिन सर, पुलिस को मारा था। पकड़ा दे त्याला। चल चल एक चल घेऊन या सगळ्यांना। लेके जाओ इसे। मैडम किधर है? पता नहीं, चला आता। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, चलिए। डीसीपी साहब ने तुम्हारी कामयाबी के लिए भेजा है। सर, कामयाब तो तब होंगे जब सलमान को फांसी लगेगी, पर ना जिन मासूमों की जान गई है उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तक के कामगिरी पे तो खुश हो जाओ। हम सबको तुम्हारी बहादुरी पे नाज है। अरे वो समोसे दे दो सबको। थैंक यू। सर, मैं एक मिनट में आई। एक गलती मांगती है रिहाई, ऐसे बे लोग हैं जो करते हैं मासूमों पर कब्जा। कौन सी I'm
सेवा।